एक लंबे अरसे के कथक प्रयासों के बाद आखिरकार आम्रपाली सफायर के लिए चलाई गई रियलिटी मीडिया की मुहिम का असर दिखा और सरकार पर बढ़ते मीडिया के प्रेशर से नोएडा प्राधिकरण और अनिल शर्मा को सामने आकर जवाब देना पड़ा। शिकायत आपके दिल्ली है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कभी आपने उन समस्याओं को आप जरूर गौर किए होंगे, लेकिन हम लोगों से इतनी शिकायत है कि वो समस्याएं कहीं ना कहीं रखी रह जाती है। एनजीटीज का इशू था, अब दो साल हम लोग किस तरह गुजारे होंगे और उसमें कितना मेरा कॉस्ट ओवरन हुआ होगा, इसका कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं करते। एक लंबे अरसे से नदारद आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा आखिरकार लोगों के बीच दिखाई दिए और उनके देश से फरार होने के सारे कयासों पर कुछ हद तक विराम लगा। सारे लिफ्ट वालों के लिए देखिए, कोने के साथ ये नहीं, वो पूरे ओवरऑल ग्रुप का कहीं से 5 लाख निकालता, कहीं से 6 लाख बोलता, वो टोटल बोलता है कि मेरे आपके यहाँ 90 लाख रुपए उसके लैपसेस है, उसके भी सर्विस है। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर पैसा फेंक दें या थ्रो कर दें और ये कर दें, हमने भी कई मीटिंग उससे की है। दे हैव बिकम होस्टाइल कि नहीं मुझे नहीं करना, वहाँ केस हो गया, वहाँ मुकदमा हो गया। तो इसका सोल्यूशन अगर आप लोग भी सजेस्ट करेंगे, जॉनसन को कोई एक ही कंपनी तो है नहीं। मुलाकात के दौरान लोगों ने प्राधिकरण और अनिल शर्मा दोनों के आगे अपनी बातें रखी और जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की। Also have not been given occupation certificate, and every flat owner is at risk. Tomorrow, if somebody dies, I do not know whether Anil Sharma is going to be held responsible or Noida Authority is going to be held responsible. जिसके जवाब में अनिल शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना तो सही पर कोई ठीक जवाब नहीं दिया और हर बार की तरह इस बार भी लोगों को निराशा हाथ लगी। आम्रपाली के चेयरमैन अनिल शर्मा सिर्फ बातों को टालमटोल करने के लिए आए थे, उनके पास लोगों को जवाब देने के लिए कोई तैयारी नहीं थी और हर बार की तरह फिर से 15 दिन का समय मांग कर वे वहां से चूम अंतर हो गए। सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, जहाँ दो पत्थर हिले और बीच में पैर फंस गया तो आदमी का फ्रैक्चर हो जाएगा। मैं देख लूँगा। सर प्लीज सर, आ जाइए सर।